हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो आपका भी अगर यूट्यूब पर चैनल है तो ही आप इस वीडियो को देखने आए होंगे, मुझे पता है। तो आपको जो कॉपीराइट क्लेम है उसका बहुत सारा सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आपका डांस का चैनल है, तो आप उसमें अगर कोई दूसरे का वीडियो लगा देते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो उस कॉपीराइट क्लेम को बचने के लिए आपको आज मैं उपाय बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में आते ही आपको होम होम पर आ जाना है। और यहाँ पे जो थ्री डॉट है, यहाँ पे आपका ऐसा रहता है, ऐसा डेस्कटॉप साइट पर क्लिक नहीं हुआ होता है तो आपको यूँ कर लेना है। ये देखिए, मैंने कर दिया है। और अब जो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आए तो आप सर्च कर लेना। तो ये देखिए YOU, ये देखिए आपको YouTube स्टूडियो पर सर्च कर देना है। तो आपको YouTube स्टूडियो जो सर्च है, आपको इस पर सर्च करने के बाद यहाँ पे एक वेबसाइट, मेरी थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा स्लो कार्य कर रहा है, तो इसे चलो हम लोड हो जाने देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो आ चुका है, ये देखिए आपको जो सोता ये थोड़ा, हाँ, आपको यहाँ पे जो वीडियोस हैं आपको इस पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड के नीचे जो वीडियोस का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो वीडियोस है उस पर क्लिक करना है। और मान लीजिए मेरे पास ये देखिए, इन पर न्यू ट्रेंडिंग एंड पंडित शहरी, इस पर आ चुका है मेरे पास कॉपीराइट क्लेम। तो यहाँ पे जो कॉपीराइट क्लेम है आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जो सॉरी, आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका सी डिटेल्स है आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, थोड़ा ये लोड होने देते हैं हम इसे। तो जो ये देखिए कॉपीराइट के, जो ये हमारे चैनल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है और इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। तो ये देखिए, जो हमारा वीडियो है वो कहाँ से कहाँ तक कॉपीराइट आया है। ये देखिए, जो यहाँ पे जो यूं है, ये जो डॉट है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो स्क्वायर वर्ग में है, यहाँ पे जो कॉपीराइट क्लेम आया है, अगर हम उसे देखिए हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी, ये देखिए यहाँ पे आपको जितने भी कॉपीराइट आएंगे आपको ये आ जाएंगे। ये देखिए, ट्रिम आउट सेगमेंट, पहला ऑप्शन होता है कि आप इस जो स्क्वायर वाला है आप इसे को इसे ही कट कर दो। दूसरा होता है रिप्लेस सॉन्ग, आप यहाँ पे कोई दूसरा सॉन्ग डाल सकते हो। तो जो तीसरा होता है वो होता है म्यूट सॉन्ग। तो अभी मैं फ़िलहाल म्यूट सॉन्ग पर करने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं म्यूट सॉन्ग पर। यहाँ पे भी क्लिक होने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग वगैरह होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आ चुका है कि म्यूट ऑल साउंड वहन सॉन्ग प्लेस। तो आपको यहाँ पे नहीं करना है, म्यूट सॉन्ग ओनली, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर से परमिशन मांगेगा कि ये आपको म्यूट करना है या नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे ये देखिए सिंपली म्यूट पर क्लिक कर देना है। म्यूट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर, आप मान लीजिए 10-15 मिनट इसको छोड़कर आप जितने भी ऐसे आए ना आपके पास, उसको म्यूट सॉन्ग या रिप्लेस सॉन्ग भी कर सकते हैं, पर आप ना कभी ना उसे कट मत कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे हो चुका है प्रोसेसिंग वीडियो म्यूट सॉन्ग इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए कट कर देना है और थोड़ी देर बाद में आके उसे करना है। तो अभी मैं सिंपली बैक चले जाता हूँ। और उसके बाद जाकर आप क्रोम ब्राउज़र में देखना, आपका जो कॉपीराइट क्लेम का जो आया हुआ होता है वह हट जाएगा। यह सबसे सिंपल है। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे रिप्लेस सॉन्ग पर करके आप दूसरा सॉन्ग भी डाल सकते हैं। और वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर और एक कॉमेंट्स में जाके एक अच्छा सा कॉमेंट भी लिख दीजिएगा।